सर वैसे तो मोदी साहब खैर उनके कंधों पे इतनी जिम्मेदारी है पूरे देश की, पर जब कभी आप आपस में मुलाकात करते हैं तब वो कुछ चुटकुले वगैरह कभी आपको बोलते हैं कि परेश भाई को हेरा फेरी का डायलॉग हो जाए, ऐसे बोलते हैं? नहीं, 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 नहीं। अच्छा उनके साथ तेरा क्या प्रॉब्लम है? अरे उनके साथ थोड़ा यार वो जमीन का विवाद हो गया। बहुत ज्यादा जमीन है तुम लोगों के पास? नहीं नहीं, चारपाई एक है ना, तो विवाद था कि जमीन पे मैं नहीं सोऊंगा, जमीन पे मैं नहीं सोऊंगा, ये विवाद चल रहा। पाजी हमारे देश में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कि मेहमान जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, लेकिन यही मेहमान अगर दो दिन ज्यादा रुक जाए ना तो फिर असली भगवान से प्रार्थना कर रहे हो कि भाई तेरा ही रूप है, तू ही भगवान को वापस नहीं जाते कुछ लोग मुंबई शहर का आपको पता है, यहाँ पे तो माँ बाप खुद दुआ कर रहे होते हैं कि बच्चे कहीं बाहर खेलने जाए तो घर में कोई और खेलने कूदने वाला आए, ऊपर से मेहमान आ जाए तो और मुसीबत। अच्छा हमारे देश में गर्मियों की छुट्टियों में हमारी जो बहू बेटियां बेचारी जिनकी शादियां हो जाती हैं, शादी के बाद नाना और मामा इन्हीं के घरों में घूमने जाती है, और कहाँ जाएंगी? अच्छा इन गर्मियों की छुट्टियों में एसी कूलर और ट्रांसफार्मर पे इतना लोड नहीं होता जितना नाना और मामा पे होता है। और ये लोग जब छोड़ने जाते हैं ना वापस उनको छुट्टियों के बाद, एक घंटा पहले स्टेशन पे पहुंच जाते हैं, स्टेशन पे वेट कर लेंगे, इनकी ट्रेन नहीं छूटनी चाहिए। और जो हस्बैंड अपनी बीवियों को मायके छोड़ने जाते हैं ना, वो खुशी खुशी में कभी कभी ससुराल तक छोड़ आते हैं, उनका डर होता है कि रास्ते से ना वापस आ जाए। अच्छा कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं ना भीड़ टाइप के, भीड़ भी होते हैं बड़े। अच्छा अपने घर में ना अगर हाथ में तेल लगा ना तो टीवी का रिमोट भी नहीं उठाएंगे, उसको साइड से उठा के ना ऐसे ठुड्डी से चैनल चेंज करेंगे। और दूसरे के घर में जाएंगे सब्जी सुब्जी खा के उनके पर्दे से भी पहुंचाते हैं, क्या फर्क पड़ता है कौन सा इनके घर। अच्छा एक चीज आप देखना, जो लेडीज होती हैं घर में जो मेहमान आता है ना उनके सामने बड़ी सोफिस्टिकेटेड हो जाती है, बच्चे ने आपके ने अगर दही का डोंगा भी गिरा दिया ना तो ज्यादा डांटेंगे नहीं, बबलू इट्स ओके बेटा आई विल क्लीन यू, गो एंड डू योर होमवर्क। क्या दिख रहा भी आज बड़ा प्यार, नहीं तो वही माँ जब कोई मेहमान नहीं ना होता बच्चा नंगे पास सोफे पे भी कूद जाए ना ऐसे करके तो हाथ मरोड़ के ऐसा घूसा मारती ना तब बच्चे को समझ में आता है मेरे बाप की कमर टेढ़ी क्यों है। अच्छा कुछ घरों में ना नए बर्तन जो होते हैं ना मेहमानों के आने पे निकालते हैं, और कुछ लेडीज तो इतना ध्यान रखती ना गिलास में से जो स्टिकर होता है ना लगा होता है छोटा सा उसको भी थोड़ी देर पहले उतारती है जब शरबत देना होता है, मेहमान जब शरबत पीते ना तो शरबत पीता तो होठ से खिंच के निकालता है वो, उसको बड़ी देर बाद समझ लगता है कि शरबत का मीठा नहीं है ये उसकी चुंबक है, फिर वो बेचारा घुमा के पीता है। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने घर में चाय पीते ना साथ में कुछ नहीं खाते, नहीं नहीं बेटा ले जाओ वापस खाली चाय पीएंगे, नमकीन आ भी जाए तो एक आध मूंगफली का दाना, किसी और के घर में जाए ना तो काजू बादाम की थाली पे ऐसा आपकी पार्टी के चोर निशान जैसा पंजा बना के ना भर के काजू बादाम उठाते हैं, फिर इधर से काजू लीक होता है वो भी नहीं गिरने देते, और बहन जी बस हम तो पूरा पूरा पैसा वसूल करते हैं मुफ्त का चंदन किस मेरे नंदन। अरे कुछ लोगों को पता चलता है मेहमान आने वाले घर की चीजें छुपाना शुरू कर देते हैं, बेटा काजू बादाम पीछे कर मूंगफली और चने आगे कर। लेडीज अपने बच्चों को समझाने लगती है बेटा अपनी वीडियो गेम छुपा लो तेरी बुआ का बेटा बड़ा कमीना तोड़ के जाएगा वो, मतलब अलग ही टेंशन है। लोग जब दूसरों के घरों में जाते हैं ना अपने बच्चे को खुला छोड़ देते हैं, और बच्चे इतने फ्रैंक हो जाते हैं उनके बिस्तर पे सुसु कर देते हैं कभी कभी, हाँ होता है ऐसे, और फिर मियाँ बीबी झगड़ा करवा देते हैं, अंदर जाके पति बोल रहा था अरे कोई बात नहीं सुसु कर दिया तो और पिला अपने भतीजे को शरबत। मारा तो ये दिनेश है ना अपना गिटारिस्ट, मेहमानों के जाने के बाद ना अपना तकिया चाट रहा था, उसकी बीवी कहती ये क्या कर रहे हो, कहते तेरे भांजे का बेटा करके हुआ चॉकलेट लगा गया उसके नीचे 70 रुपए की चॉकलेट खराब की 250 रुपए की चादर वही खत्म कर रहा हूँ। अच्छा अपना बच्चा शरारत कर दे आप जितना मर्जी डांट सकते हो, मेहमान के बच्चे को आप डांट ही नहीं सकते, मेहमान का बच्चा आपका महंगा साला गिलास भी तोड़ दे ना तो आपका अंदर चाहे जितना मर्जी गुस्सा है आप डांट नहीं सकते, उल्टा मेहमान खुद डांटता ना बच्चे क्यों तोड़ दिया गिलास आपने, अरे रहने दो बहन जी बच्चे ही तो हैं, बच्चे नहीं शरारत करेंगे तो कौन करेंगे हैं। अच्छा उसका खुद का बच्चा सोच रहा था कि ये बात हमारे साथ तो कभी हुई नहीं, हमारे तो सीधा गाल पे थप्पड़ आता है। अच्छा गुस्सा तो होता ही गिलास टूटने का, फिर बच्चे को प्यार से बुलाते जब इधर उधर जाते ना माँ बाप, कम से बेटा क्या नाम है आपका, हमारे गिलास मिला था तुझे। अच्छा मेहमान जब आते ना पहले एक दो दिन तो बड़ी खातिरदारी होती है, देसी घी का तड़का वगैरह लगता है, ज्यादा रुक जाए ना फिर घी तो कॉन्सेप्ट से निकल ही जाता है, फिर दाल धीरे धीरे कम होने लगती, पानी ज्यादा होने लगता है, कुछ औरतें जानबूझ के तेज मिर्ची डाल देती हैं,
लेकिन मेहमान कहीं ढीठ भी होते हैं, वो नहीं लेते, नहीं मानते। ये बहुत अच्छा किया, मिर्ची वाली बनाई, पेट साफ हो गया। अच्छा जब मेहमान आते ना, उनके आगे बिस्किट वगैरह रखते ना, तो माएं अपने बच्चों को मना कर देती है, बेटा उनकी प्लेट से बिल्कुल नहीं उठाना। तो बच्चे मजबूर होते हैं, हाथ बांध के खड़े रहते हैं। मेहमान कभी कभी खुद बोल देते हैं, बेटे आप भी लो। बच्चा माँ की तरफ देखता है, फिर माँ कहती, नहीं नहीं आप खाइए, तो खाता रहता है। अच्छा बच्चे पोल भी खोल देते हैं, कहाँ खाता रहता है, आज ही तो लेके आए पापा, झूठ बोल रही है। अच्छा मेहमान जब जा रहे होते हैं ना, तो सबसे छोटे बच्चे को वैसे 150-200 रुपए दे देते हैं ना, तो बच्चा लेता नहीं। माँ मना करती, नो बेटे पैसे अंकल को बोलो, थैंक यू नहीं चाहिए पैसे, बोलो चलो थैंक यू नहीं चाहिए, पीछे हाथ कर लेते ना। तो मेहमान जबरदस्ती बच्चे का हाथ पकड़ के, रखो बेटा चॉकलेट खा लेना। अच्छा मेहमान मोहल्ला भी नहीं क्रॉस करते, माँ फटाफट दरवाजा बंद करके बच्चे को घेरती थला। बच्चे की उंगली मरोड़ के ऐसे निकालती है ना, 100 रुपया तू क्या करेगा, चल भाग इधर जा, चल। अच्छा कई बार ऐसा होता है ना कि गेस्ट के बच्चे आए वैसे आपका सोफा देख के ना, उसके ऊपर कूदने लगते हैं। ए, कितना नरम है। अच्छा जिसका घर होता है ना, वो बस नहीं चलता उसका, फिर वो अपने कुत्ते को देख रहा था कि चलो हमारे तो रिश्तेदार, तेरे थोड़ी कुछ लगते हैं, तू तो काट। अरे आज के जो हमारे मेहमान हैं वो मल्टी टैलेंटेड हैं, जिस फील्ड में जाते हैं अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ देते हैं। एक बेहतरीन एक्टर तो हैं ही, नेक दिल पॉलिटिशियन भी हैं, और सबसे पहले बहुत ही मजेदार इंसान है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा, वेरी टैलेंटेड वर्सेटाइल एक्टर, वन एंड ओनली मिस्टर परेश रावल साहब। लबों पे तारीफ और सर पे जीत का ताज होता है। वाह, आप जैसा अभिनेता सदा वक्त का सरताज होता है, आपकी मौजूदगी से चमकता है ये बॉलीवुड। अरे ऐसा फनकार बना के तो खुदा को भी खुद पे नाज होता है। वाह क्या बात है, सर वेलकम वेलकम। एक अपनी तरफ से भी मैं सुना दूं? जी जी सर, अरे प्लीज प्लीज प्लीज, एक जिंदगी में कितने किरदार निभा के बैठे हैं, एक जिंदगी में कितने किरदार निभा के बैठे हैं, ये वो ऑलराउंडर है जो अपना सिक्का जमा के बैठे हैं। हम तो आए थे दिल्ली आपसे मिलने के लिए, पर जनाब आप तो पंजाब पे जाके बैठे हैं। आज आएगा मजा जब पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए। थैंक यू सर, थैंक यू, राजमन भैया। सर सबसे पहले तो आपकी बड़ी शानदार मूवी आ रही गेस्ट इन लंदन, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू जी। परेश सर के निभाए हुए किरदारों की बात करें तो मेरे ख्याल से ये पूरी रात निकल जाए। एक तरफ बाबूराव का रोल, एक तरफ सरदार पटेल साहब का रोल, एक तरफ कांजीबाई का रोल, एक तरफ गुंडिया बाऊ, इतने सारे वेरिएशन, इतनी बड़ी जर्नी, नेशनल अवार्ड, फिर पॉलिटिशियन है, पद्मश्री। सर इतना सब कुछ हासिल करने के बाद आपने कभी सोचा था कि विपक्ष के नेता भी आपके लिए शेर कहेंगे? बड़ा शरारती है बंदा यार तू। नहीं मैं तो उनको विपक्ष में मानता ही नहीं हूँ। बिल्कुल सर, मैं तो उनकी बातों का और उनके जो शेर शायरी का बड़ा फैन हूँ। अरे सर, और जब क्रिकेट खेलते तब से बड़ा फैन हूँ, और जो कुछ कदम आपने उठाए थे उसका भी मैं बहुत बड़ा फैन। थैंक यू। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में जब कोई आपका को एक्टर कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि यार तुमने ये सीन बड़ा अच्छा किया, तुमने ये फिल्म बड़ी अच्छी की। संसद में जब आप होते हैं तो कभी पार्लियामेंट से बाहर आके एक किसी विपक्ष वाले नेता को बोला कि यार किसी को बताना मत लेकिन तुमने मुद्दा अच्छा उठाया था? बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, अप्रिशिएट की बात होती रहती है यार। अच्छा, और कभी विपक्ष वाले ये भी बोलते हैं कि भैया ये मुद्दा उठाना भी मत। अच्छा ऐसे भी बोल देते हैं? ऐसे भी बोल। पाजी पहले एक जमाना होता था कि आप अगर कुछ बयान देते हैं बींग ए एक्टर या बींग ए पॉलिटिशियन, तो बाद में कुछ ना कुछ अगर उसको तोड़ मरोड़ दिया जाता था तो आप बोल सकते थे कि यार मैंने ऐसा कहा नहीं था, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मेरे कहने का मतलब ये था। लेकिन आजकल आप अपने हाथों से टाइप करके सोशल नेटवर्किंग पे लिख देते हैं जो भी आप फील करते हैं, जो भी आप प्रतिक्रिया देना चाहें, उससे बाद में आप पलट भी नहीं सकते। सर ये चीज अच्छी है कि बुरी है, आपको क्या लगता है? आपसे बेहतर कौन जान सकता है। लोग तो प्रतिक्रिया करते हैं, तू तो टैक्स भी बता देता है कितना भरता है। चलिए लेट्स चेंज द टॉपिक।
प्रेशर फिल्मों में एक से बढ़कर एक डायलॉग बोलने वाले बढ़िया खूबसूरत अभिनेता है, पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हुए हैं। सर आपको मजा ज्यादा कहाँ पे आता है, फिल्मों में काम करके या पॉलिटिक्स में? पॉलिटिक्स में ज्यादा मजा आता है क्योंकि वहां पे जो डायलॉग बाजी होती है, वाह वाह वाह। अच्छा पर पाजी, मैंने एक चीज तो देखी है। हाँ, क्या? चाहे आपका उदाहरण ले लूं, चाहे परेश सर का ले लूं, चाहे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब का ले लूं, या हमारे मोदी साहब, हमारे प्रधानमंत्री साहब, सबका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा होता है और हम लोग देखते सुनते भी रहते हैं। सर वैसे तो मोदी साहब, खैर उनके कंधों पे इतनी जिम्मेदारी है पूरे देश की, पर जब कभी आप आपस में मुलाकात करते हैं तब वो कुछ चुटकुले वगैरह कभी आपको बोलते हैं कि परेश भाई को हेरा फेरी का डायलॉग हो जाए, ऐसे बोलते हैं? नहीं, 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 नहीं। अच्छा अच्छा ऐसे नहीं भैया। भाजी गेस्ट इन लंदन में परेश सर का एक डायलॉग है कि बुजुर्गों का जो पाद होता है वो बच्चों के लिए आशीर्वाद होता है। मतलब फिर तो अगर वो आशीर्वाद होता है तो फिर वो खुशबूदार होता है। मैं तो हैरान हो रहा था कि परेश सर आप पावर में क्या आए, आपने आशीर्वाद की परिभाषा ही बदल दी। सर ऐसा कभी, मतलब अभी फिर अगेन एक सवाल आ गया क्योंकि आप मेंबर पार्लियामेंट हैं, कभी ऐसा हुआ तालियों की गड़गड़ाहट के बीच संसद में किसी ने आशीर्वाद दे दिया? आवाज तो नहीं सुनाई दी। ओह, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा बिकॉज आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं और बेहतरीन पॉलिटिशियन भी है, तो मैं आपके सामने कुछ फिल्मों के नाम लूंगा, टाइटल आपको बताना कि वो किस नेता को सूट करते हैं। खामोशी, मनमोहन सिंह साहब, नरसिम्हा राव साहब। क्या बोल रहे? ओके, बड़े दिल वाला। मैं बताऊं बड़े दिल वाला? अटल बिहारी वाजपेयी। वाह, अंदाज अपना अपना, अंदाज अपना अपना। सिद्धू साहब। ओ मरवा दिया। ये सिद्धू साहब कैसे? हर जगह। ये तो है। एक था टाइगर, एक था टाइगर की एक है टाइगर, एक है टाइगर। चलो मोदी साहब। नायक, आई थिंक मोदी साहब दो रोल कर सकते हैं ना? बिल्कुल। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, फिरंगी। फिर आपको पता है, आपके पिक्चर आ रही है ना फिरंगी? आपको भी पता सर। सर आई लव यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अब वक्त है फिल्म गेस्ट इन लंदन के चार्मिंग हीरो को यहां पर बुलाने का, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम कार्तिक आर्यन। थैंक यू सर। जोरदार तालियां एक बार कार्तिक के लिए। अपनी पहली फिल्म से ये लड़का इतना छा गया है प्यार का मंचनामा से, अभी ये लड़कियों के दिलों में राज करता है। कार्तिक बहुत बहुत बधाई आपको आपकी सक्सेस के लिए, प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। आइए। अच्छा गेस्ट इन लंदन में परेश सर इनके गेस्ट बन के जाते हैं, ये बड़े परेशान होते हैं उनसे, कहीं दूर दराड़े के चाचा मामा के पता नहीं क्या बन के चले जाते हैं, वो भी लंदन इंटरनेशनल गेस्ट। वैसे तो आप इनसे बड़े परेशान हैं फिल्म में, पर परेश सर जैसे अदाकार के सामने आप अगर खड़े हो, स्क्रीन शेयर कर रहे हो, तो आदमी वैसे ही कांपने लगता है। आपको डर नहीं लगा था जब पहली बार शॉट देना था आपको परेश सर के साथ? जी थोड़ा सा तो मतलब नर्वस था, फर्स्ट टाइम ऐसे वेटरन एक्टर इनके साथ काम कर रहा था। एंड आई थिंक हमारा जो शॉट था वो पहला शॉट बड़ा डिफिकल्ट शॉट था, क्योंकि उसमें इनको एक कार में, मैं इनके साथ हूँ, मैं बैठा हूँ और तन्वी जी भी हैं, ये अचानक से पात देते हैं, मतलब अचानक ही होता है, उसके कोई नोटिस तो देता नहीं है एक महीने पहले। तो वो उसकी नोटिस आते नहीं और सामने वाला रिसीट भी देता है। वो हमारा आइस ब्रेकिंग सेशन था, उसमें आइस ब्रेक हो गई हम दोनों के बीच। अच्छा। तो वैसा मोमेंट। लेकिन उसमें आइस कैसे ब्रेक होता है? वो कुछ तो ब्रेक हुआ हुआ लगा। पाजी हमारे साथ परेश सर हैं, कार्तिक हैं, ये दोनों मंच पे हैं, लेकिन अपनी अपनी ऑन स्क्रीन बेटर हाफ के बिना थोड़ा थोड़ा अधूरा लग रहे हैं, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में मैं इन्वाइट करना चाहूंगा फिल्म की बेहतरीन फीमेल कास्ट, वेरी टैलेंटेड तन्वी आजमी जी और वेरी ब्यूटीफुल कृति खरबंदा। नमस्ते जी, क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया। कृति आपको पंजाबी कैसे आती है? क्योंकि मैं पंजाबन हूँ। खरबंदा क्या होता है? हाँ खरबंदा पंजाबी होते हैं,
बड़ा मजा आएगा आज तो. तन्वी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है. कृति बहुत बहुत स्वागत है. जोरदार तालियां एक बार. कार्तिक की जो पहली फिल्म थी प्यार का पंचनामा, इन्होंने ना लड़कियों के बारे में बड़ा ज्ञान बांटा. अच्छा ये ज्ञान आपको ब्रह्म ज्ञान कैसे हासिल हुआ? आपने बहुत ज्यादा किताबें पढ़ी कि बहुत ज्यादा धोखे खाए आपने? बहुत सारे धोखे खाए. अच्छा ऐसे जॉ लाइन में लड़के ना धोखे खाते, रोटी तो खाते नहीं. अच्छा वो मोनोलॉग इतना अच्छा था ना, अभी भी आपको याद है कार्तिक? हाँ मतलब थोड़ा तो याद है. हो जाए थोड़ा सा कुछ जी. तो प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है. और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. एंड बुलशिट शी इज वरीड यार, उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए बिकॉज इज इन दिस एक्जैक्टली व्हाट शी वांट्स. सीरियसली यार आजकल तो जब वो मुंह खोलती मन करता है मुंह में कुछ ठूस दूं. ट्रस्ट मी 6 महीने में आई हैड इट ऑल, सब देख लिया मैंने. अबे कौन सा प्यार, कैसी रिलेशनशिप, काई की खुशियां. रिलेशनशिप का मतलब होता है एन एंड टू योर ओन हैप्पीनेस. इसके बाद ऑल यू गॉट टू वरी अबाउट इज उसकी खुशियां, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे, उसका न्यू ईयर जो कभी तुम्हारा भी न्यू ईयर था. मैं बता रहा हूँ इन लड़कियों को कोई खुश नहीं रख सकता. हैप्पी वुमन इज अ मिथ. तू बैटमैन वाली को देख ले, जब तक बेचारा बैटमैन नहीं बना तब तक. Thank you so much. क्या बात है, क्या बात है. अभी और है, टोटल 75 मिनट का था ये. ये एक्टर है कि बुलेट ट्रेन है? बुलेट ट्रेन ही है. तन्वी जी बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको. मैं पहली बार मिल रहा हूँ आपसे, लेकिन आपकी इतनी सारी फिल्में देखी, इतना काम देखा है, बहुत कमाल की अदाकार है आप. बहुत बहुत थैंक यू. स्वागत है आपका. मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके शो पे आई हूँ. इससे पहले कि आप मुझे पूछे, ऑनर मैम, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन कपिल शर्मा के शो. तन्वी जी आप इतनी खूबसूरत हैं. शुक्रिया, थैंक यू. आप डिफरेंट डिफरेंट किरदार निभाती हैं. कभी आपके दिल में नहीं आया कि मैं ऐसा कोई किरदार निभाऊं कि जैसे रोमांटिक हीरो हीरोइन वाला और ये सब नहीं? पर आपने अभी फिल्मों में कभी ऐसा कोई किरदार नहीं निभाया ना? नहीं, नहीं अभी तक नहीं. हालांकि परेश सर ने भी फिल्मों में कोई रोमांस नहीं किया. किया है जबरदस्ती पकड़ पकड़ के जब विलेन बना है ना. परेश सर सामने से स्क्रिप्ट में कभी नहीं आया कि परेश सर आप ऐसे आएंगे और ऐसे हीरोइन आएगी? ऐसा मौका मिला नहीं है. वही तो देने जा रहे हैं. क्या आप सोच के आते हैं कि सबको फंसाएंगे इस तरह? परेश भाई अंदर से तो खुशी है. तो हमारे दर्शकों के लिए हो जाए मैम प्लीज. ये रिस्क आप लोगों ने उठाया था. हाजी कृति जो है इंडिया की मोस्ट डिजायरेबल वुमेन है. जोरदार तालियां. और इंडिया की वन ऑफ द हॉटेस्ट गर्ल है. जोरदार तालियां. सो प्राउड ऑफ यू. मुझे लगा था कि आपको ऐसा लगेगा, इसलिए मैंने इतनी मेहनत करी सिर्फ आपके. मैं समझ गया. अच्छा आप मोस्ट डिजायरेबल गर्ल हैं, मोस्ट हॉटेस्ट गर्ल हैं. मोस्ट डिजायरेबल मैन में आपको क्या लगता है क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? उसकी आंखें आपकी जैसी होनी चाहिए. मेरी तो खुलती नहीं है. तभी तो. अच्छा आपको ऐसी आंखें चाहिए जो खुलती हाँ, ना हाँ. अच्छा और अच्छा मुझे एक एक बात पूछनी है. जैसे लड़कियों को हॉट बोलते हैं तो उनको अच्छा लगता है. किसी आदमी को बोलता है तू बड़ा गर्म रहता है तो पंडित उसको बोलता है चांदी में मोती पहना कर. है? ऐसा होता है? बहुत अच्छे. पर मुझे यही जानना है कि हॉट लड़के की डेफिनेशन क्या होती है? कार्तिक आर्यन. अरे बाप. चलो वो तो आप दोनों हीरो हीरोइन हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करना बनता है. पर जनरली क्वालिटीज कार्तिक बहुत हैंडसम है, पूरा चॉकलेट है पूरी. क्या खाती हैं आप? कैसे इतना चेहरे पे ग्लो कैसे है? मतलब मम्मा ने खूब घी मक्खन खिलाया मुझे. तो लगा क्यों नहीं? जिम जाती हूं. अच्छा कार्तिक आपकी नजर में हॉट लड़की की डेफिनेशन क्या है? मतलब हॉट मतलब वही गर्म होता है. आई मीन ये क्या मतलब थर्मामीटर लगा के चेक करेगी ये लड़की हॉट है? ऐसे कैसे मतलब कुछ चीजें समझ में नहीं आती, मैं इसलिए पूछ लेना चाहिए. नहीं जैसा आप बोल रहे थे घी खाई हुई मलाई खट्टी खट्टी थोड़ी. मैं कार्तिक से पहली बार मिल रहा हूँ, इतना क्यूट लगता था मुझे नहीं पता इतना चालू है. इतना शरारती है ये. दोनों बड़े शरारती हैं. अब दोनों की आपकी दोनों की साथ में पहली फिल्म है ना ये? जी. तो आपकी दोनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी लग रही है फिल्म में, जाहिर सी बात है बहुत ही कमाल का काम किया होगा आपने. नमस्कार परेश जी, तन्वी जी, कार्तिक जी, कृति जी, मायसल बच्चा यादव द डूड. ऐसा ऐसा हमारे दोस्त हमारे सर्कल में कहते हैं यू आर द डूड. पता नहीं क्या है यार हमारी पर्सनालिटी कुछ ऐसी छा जाते. वैसे कार्तिक जी आपको पता है
ये जो अपने सिंगल मंचले टाइप के लड़के होते हैं ना, उनका मसीहा ये लड़का। ऐसा ही बता रहे हो? ये सर बोलना शुरू करते ना, ऐसा धनाधन बोलते जाते, रुकता नहीं आदमी यार। और उसमें हमारा फेवरेट बताए कौन सा है? तन्वीर जी, परेश जी, ये वाला ना, वो कहते हैं कि गर्लफ्रेंड जो होती है ना, वो कहती है कि पर्दे लेने, फिर शॉपिंग मॉल में जाती है, कुशन कवर लेके आ जाती है, और दो हफ्ते बाद तक कहती रहती है पर्दे लेने। लेकिन सर ये ट्रू है। वैसे परेश जी, आपका आशीर्वाद लेना चाहे, नहीं नहीं, वो परेश जी वो वाला आशीर्वाद मत दीजिएगा जो ये फिल्म में बताया है इन्होंने कि बुजुर्गों की पांच बच्चों के लिए आशीर्वाद होती है, ये वाला आशीर्वाद हम खुद को ही काफी दे लेते हैं, नॉर्मल वाला ही दे दीजिए। कृति जी जी, ये आप ये फिल्म में लंदन में रहती है ना? हाँ जी। लंदन मतलब अपना वही ना, जहाँ पे विंबलडन ऐसा सब खेलते हैं, हम गए थे, हमने देखा था। तू कब गया था लंदन? नहीं नहीं, हम पुत्तन के घर गए थे, वहां देखा था, उसके टीवी पे सब आ जाता है। तो सबके टीवी पे सब आता है। हाँ, लेकिन हम सबके घर तो नहीं जा सकते ना यार, इसके लिए पुत्र के घर। अजीब आदमी है यार, तू कब बीच बीच में टोकता रहता है यार, इज अ सिली मैन यार। वैसे तन्वीर जी, आपको एक बात साफ साफ बता देना चाहते हैं, हमें कोई संदेह नहीं है। किस बात का? अरे बाजीराव जी की मम्मी है यार ये, पहचानो जरा। हाँ। इनके बेटे ने कहा था कि बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पे संदेह नहीं करते। हाँ। थोड़ा सा कभी कभी मंडे हो जाता है, पर संडे बिल्कुल। जॉक हुआ, जरा जॉक्स के लिए बात बोल दे, क्या माहौल बनता है। तो यहाँ क्या करना है बच्चा तू? देखिए यहाँ पे आज परेश जी भी है, सिद्धू जी भी है। हाँ। हमने सोच लिया कि हम भी अपनी एक पार्टी बनाएंगे। अबे तुझे पता भी पार्टी के क्या क्या होता है? पार्टी में एकदम शुरुआत में होता है स्टार्टर, ठीक है, फिर थोड़ा टाइम के बाद मेन कोर्स आता है, डेजर्ट आता है, उसके बाद यार नाच गाना म्यूजिक डीजे सब होता है, उसके बाद थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो लड़ाई झगड़ा भी होता है, ये सब होता रहता है। और हमने सोचा है कि अपनी पार्टी में हम किसे लेंगे? मेन हमारी पार्टी में होगा योयो हनी सिंह, दूसरा होगा बादशाह, तीसरा वो लॉन्च गुरु होगा अपना, वो जो कोई भी हीरो का बच्चा 18-20 साल का होता है लॉन्च करता है, करण जौहर। ये लोग रहेंगे तो पार्टी पूरा एकदम रॉकिंग हो जाएगा। बच्चा तू मिनिस्टर बन भी गया तू करेगा क्या? तू ऐसे किसी शो के ऐसे कुर्सी पर बैठेंगे यार? ऐसा मजा सोफे पे बैठेंगे, पीछे खूबसूरत लड़कियों को बैठाएंगे, सामने खूबसूरत एक्ट्रेसेस आएंगे, उनकी तारीफ करेंगे, मजाक करेंगे यार, माहौल बनेगा। पता कितनी मेहनत करनी पड़ती है पॉलिटिशियन को? तो हमें पता है मेहनत होता है, हम भी सीख रहे हैं। ये देख ले, हम शेरो शायरी का बुक भी लेकर आए हैं, देखिए ठोको शेर, हम सीख रहे हैं। एक शेर तो हमने लर्न भी कर लिया है। ठोको अर्ज किया है, ठोको कोई आवत है कोई जावत है, फ्री में खाना मिले वही दावत है। अरे इसका कोई बुरा ना माने, ये थोड़ा सा पागल है। आदमी तो काम का भड़कावत है। बच्चा चल भाग यहाँ से। ये लीजिए, हमको भगावत है। बताऊं तुझे? ओहो, अब हमको डरावत है। इससे बात करना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना, ये तो कहावत है। अबे तू मुझे इंटरव्यू लेने देगा? ये आदमी कितना पका हुआ है। तुझे बात नहीं समझ में आ रही मेरी? अच्छा, अब हमको सिखावत है। अच्छा, अब हम तुमका बाहर का रास्ता दिखावत है। ए लीजिए, आप तो कॉपी कर रहे हैं, देखिए सीधा सीधा कॉपी कर रहे हैं। अच्छा पॉलिटिशियन बनने के लिए ना अच्छा भाषण भी देना आना चाहिए, अच्छे इंसान होना चाहिए, ताकि आपके भाषण से लोगों की विचारधारा बदले। अरे सर, हम तो ऐसा कमाल का बोलते हैं सर, लोगों की विचारधारा छोड़िए, लोग अपनी जगह बदल देते हैं। ऐसा क्या बोलता है तू? हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 की गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाएगी, लीजिए 2 के लोग 4 पे, 4 के लोग 2 पे, इधर से उधर, सब चेंज, ऐसा इंस्टेंट अपना सामान उठा उठा के भाग रहे हैं सब। लीडर ऐसा होना चाहिए जिसको सुनने के लिए भीड़ इकट्ठी हो जाए। अरे तो वो तो हम ऐसे कर लेते हैं। कैसे? कैसे हम क्या करते हैं सर, हम अपने आप को कुएं में गिरा देते हैं, फिर अंदर से चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ, आते भीड़ इकट्ठी हो जाती है,
और जैसे ही वो लोग आ जाते हैं हम अंदर से अपना भाषण शुरू कर देते हैं और तब तक अपना भाषण देते रहते हैं जब तक रस्सी से खींच के आदमी हमें बाहर ना निकाल ले। लेकिन एक बार एक प्रॉब्लम हो गया था सर, वो आदमी ने हमको ऑलमोस्ट ऐसा बाहर निकाल लिया, तब हम बोले बच्चा यादव, वो बोला जिंदाबाद, हाथ छोड़ दिया यार। जिंदाबाद के चक्कर में मुर्दाबाद होते होते रह गए यार। बच्चा तू इलेक्शन में खड़ा हो गया तो तुझे वोट कौन देगा? सर इतने रिस्पेक्टेड लोग आए हैं, ये देंगे ना हमें वोट? पर ये तुम्हें अपना वोट क्यों देंगे? सर देखिए आपको नहीं देना, किसी से मांग के दे दीजिए, हमको सेकंड हैंड भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और वादा करते हैं एक बार इलेक्शन जीत गए ना आपका वोट सूट समेत वापस देंगे हम। अबे तेरी अपनी फैमिली ना, उनसे मांग जाके, चाचा का वोट मांग, किसी और का मांग ले। नहीं नहीं सर, हमें पूरा यकीन है कि हमारे चाचा हमारा साथ हरगिज नहीं देंगे। क्यों? क्या है कि उनके साथ हमारा चारपाई हो गया था। चारपाई नहीं हाथापाई। तो हाथापाई के बाद आदमी चारपाई पे होता है यार, थोड़ा आगे का स्टेज बता दिया, सुन लो यार क्या जाता है। उनके साथ तेरा क्या प्रॉब्लम है? अरे उनके साथ थोड़ा यार वो जमीन का विवाद हो गया। बहुत ज्यादा जमीन है तुम लोगों के पास। नहीं नहीं चारपाई एक है ना, तो विवाद था कि जमीन पे मैं नहीं सोऊंगा, जमीन पे मैं नहीं सोऊंगा, ये विवाद चल रहा था। इट्स अ लिटिल प्रॉब्लम यार। अच्छा मेहमान आए हमारे, जॉक्स तो सुना अपना। यू वांट अ जॉक्स? जॉक्स जॉक्स विजय सर आपको बताते हैं क्या है, हमारा ना एक जॉक्स का पिटारा है, हम रेडी रहते हैं हमेशा। तो पेश करें सर एक? हाँ जरूर पेश करते हैं। बहुत सारे बादाम खाने से क्या होता है? क्या होता है? बादाम खत्म हो जाते हैं। बहुत बहुत ज्यादा माहौल बनता है सर, सॉरी ऐसा हो जाता है, कॉमेडी फैलता है पूरा। लीजिए हमको एक और बात बताइए, एक और पेश करते हैं। व्हाट ए डिफरेंस बिटवीन फ्लाई एंड मस्किटो? क्या क्या फर्क है? अ मस्किटो कैन फ्लाई बट अ फ्लाई कैन नॉट मस्किटो। तो चलते सर, माहौल बन गया है, मजा आया आप लोगों से मिलके। थैंक यू वेरी मच, सी यू लेटर डूड। शुक्रिया शुक्रिया, मिलते हैं फिर, चलो बाय। भाई आपको पता है इनके जो हस्बैंड हैं बाबा आजमी साहब, हमारे इंडस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट सिनेमाटोग्राफर हैं, और इनकी परिवार में एक्चुअली बहुत बड़े राइटर हैं हमारे कैफी आजमी साहब, उनकी बहू हैं, और शबाना जी आपकी ननद हैं। भरे पड़े हैं सर। मैं ये सोचता हूँ जावेद अख्तर साहब इनके ब्रदर इन लॉ हैं, मुझे लगता है जब आपका फैमिली डिनर होता होगा सब्जियां बनती कि गजलें बनती हैं। कैसा माहौल होता है मैम जब इतने इंटेलेक्चुअल लोग इकट्ठे होते हैं? कॉन्ट्री टू बिलीफ ये होता है कि बहुत ज्यादा मस्करी बातें होती है, शेरो शायरी भी तो होती रहती है, इंटेलेक्चुअल बातें भी होती है, इतना ज्यादा सीरियस नहीं हो सकते हम लोग। बाबा आजमी साहब ने जो आपको पहली बार देखा था, एक सिनेमाटोग्राफर की खूबसूरती होती है कि वो एक खूबसूरत चीज को और खूबसूरत तरीके से दिखाते हैं। उन्होंने आपको पहले ऐसे लेंस में ही देखा था कि कहीं और मुलाकात हुई थी आपकी? लेंस में से ही देखा था। सीरियसली? हाँ मेरी पहली पिक्चर थी और वो सिनेमाटोग्राफर थे उसमें। अच्छा, और बस वही हो गया सब। तो पहली पिक्चर में साइन हो गया। क्या बात है। परेश सर के बारे में भी हमने सुना है, पता नहीं सर आपसे कंफर्म करेंगे कि परेश सर की जो वाइफ है स्वरूप संपत जी, बहुत ही कमाल की अदाकारा है, पहले आपने उनको प्रपोज किया, उसके बाद वो मिस इंडिया बन गई। सर एक बात तो कंफर्म हो गई कि गुजराती दिमाग बड़े कमाल के होते हैं। इन्वेस्टमेंट में इनका कोई जवाब नहीं, मतलब सर आपको पहले से आइडिया हो गया था कि पहले ही मैं प्रपोज कर देता हूँ नहीं तो बाद में कंपटीशन बढ़ जाएगा। आपको आइडिया लग गया था सर? नहीं जी, बिल्कुल दिल से बात निकली थी, मैंने पूछ लिया था कि करूंगा तो मैं शादी करूंगा, लेट्स ग्रो टुगेदर, वो बात में मैं भरोसा नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आदमी मरते दम तक किसी को जान नहीं सकता। ये तो कमाल की बात है। पाजी कृति के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इन्होंने ज्वेलरी डिजाइनिंग में डिप्लोमा किया है। कृति जब पहली बार आपने आईना देखा होगा जिंदगी में, जिस भी उम्र में, आइडिया तो आपको तभी लग गया होगा कि मैं तो हीरो नहीं बनूंगी, तो फिर पढ़ाई क्यों की थी आपने, क्यों खर्चा इतना करवाया घर वालों का? मैं मम्मा को बोल रही थी मुझे पढ़ना नहीं, एक्चुअली पहला मोटिव ये नहीं था कि मुझे हीरोइन बनना है। अच्छा। जब मैं 14 या 15 साल की, लोग पूछते थे बड़े होके क्या करना है बेटा, तो मैं बोलती मुझे शादी करनी है, अभी शादी करनी है, बच्चे पैदा करने, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सो स्वीट, सेम हियर। अभी भी वही विचार है कि बदल गए? बदल गए, अक्ल आ गई। ये गलत बात है, जैसे जवानी आई तो अकल भी आ गई। जैसे गेस्ट इन लंदन फिल्म की कहानी है, कुछ ऐसे गेस्ट कभी कभी हमारे घरों में आ जाते हैं
अच्छा भी लगता है जब मेहमान आते हैं, लेकिन कभी कभी परेशानियां भी होती हैं। तो मैं यहाँ पे हमारे जितने गेस्ट आए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कभी ऐसा कभी हुआ है कि कोई गेस्ट आपके घर आए हों और आपको परेशानी हुई हो? आप जो भी आपका किस्सा शेयर करना चाहते हो आप कर सकते हैं। हाँ जी मैम। हेलो मैम, हाउ आर यू? फाइन। कहाँ से हैं आप? गुड़गांव। अच्छा जी। सर मेरे घर कोई भी कितने भी गेस्ट आए, किसी भी टाइम आए, ऑलवेज वेलकम है। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं गेस्ट। वाह, आपका घर ही है कि गेस्ट हाउस है? सर कुछ भी समझ लीजिए। हाँ जी। हमेशा मेरे लिए रहता है कि गेस्ट आए, मैं उन्हें अच्छा अच्छा बना के खिलाऊं। बड़ा बात है, अच्छा दिल है आपका। तो पर फिर भी मैम कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि अनचाहे टाइम पे एकदम सरप्राइज मिल जाए कि कोई आ जाए गेस्ट। चलते है सर, रिलेशन अगर बनाने हैं तो इतना तो करना पड़ता है। नहीं पर सारा गुड़गांव इकट्ठा हो गया, मान लो आ जाए आज आपने टीवी पे बोल दिया। आइए सर, इससे अच्छा क्या होगा, घर में पार्टी हो जाएगी। सो स्वीट यार, बड़ी अच्छी। आप हस्बैंड भी आए हैं आपके साथ में? नहीं, मेरी चाची जी आई है, हम इनके यहाँ गेस्ट हैं अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसीलिए आप बढ़ा चढ़ा के बोल रही, हमारे घर में तो कोई भी आए किसी भी वक्त आए, ताकि मुंबई वाली चाची ना कुछ कह दे। चाची कहाँ पे रहती है? मैं यहीं पबई में रहती हूँ। बढ़िया सिस्टर टाइप चाची रखी हुई आपने। तो आपकी चाची हैं, तो ये कब से आए हुए हैं गुड़गांव से? दो दिन पहले ही आए हैं। अच्छा अच्छा, और कितने दिन रुकने गए जाता है? संडे वो लोग जा रहे हैं। उनसे तो पूछ लो, अपनी तरफ से बोल दिया आपने। फाइनल है। अच्छा अच्छा, पर चलिए बड़ा अच्छा लगा कि इनको मेहमान बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे खुद बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे बातें करने का बड़ा मजा आता है, तो पर अच्छा लगा आपसे मिलके, शुक्रिया। थैंक यू जी। कोई और हमारे दोस्त है? यस बेटा। आपको रिश्तेदार पसंद है? बहुत अच्छे लगते हैं, सारे नहीं कुछ कुछ। मेरे पापा के साइड पे जो कोई पैसा नहीं देता तो उनके पास जाता भी नहीं हूँ मैं, तो मम्मी के साइड जाते तो घुस जाता हूँ अंदर, पैसे बहुत मिलते हैं इसके लिए। बेटा तू बड़ा हो गया ना, कुछ तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। और गुजराती लग रहा है। बिजनेस बिजनेस गुजराती हैं आप? हाँ हाँ। क्या फर्क किया? मान गए सर आपकी पार की नजर। आपकी वाह, चलिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपके भविष्य। थैंक यू सो मच जी। और कोई हमारे दोस्त जिनको? यस कपिल, मुझे गेस्ट से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई गेस्ट ऐसे होते हैं प्रिमिटिव थिंकिंग वाले। कौन सी थिंकिंग वाले? पुरानी सोच वाले। अच्छा, क्या वर्ड क्या था ये? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव 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 प्रिमिटिव। ओके, अब मुझे पता चला मेरा दादा प्रिमिटिव थे। जैसे कि मेरी एक बुआ है, वो गांव में रहते हैं, वो जब भी आते हैं ना हमारे घर छुट्टियों में, तो वो हमेशा ऐसे कहते हैं इसकी शादी कर दो, जल्दी से इसकी शादी कर दो, एज बहुत होगी है इसकी। आप तो छोटी सी लग रही है मुझे। हाँ छोटी सी हूँ, अभी प्लस टू में हूँ, लेकिन उनको कौन समझाए ना, लास्ट टाइम तो हद ही होगी, एक लड़की की पिक्चर ले आए वो तो। कि ये देखो ये लड़का मैंने देखा है गांव में है, इसकी शादी कर दो बस जल्दी से। अच्छा सच्ची सच्ची बोलना, जब पिक्चर देखी तो लड्डू फूटे थे ना अंदर? नहीं बिल्कुल भी नहीं। बुआ आए नेक्स्ट टाइम तो उनको बोल देना, बुआ जब मेरा दिल होगा मैं कर लूंगी, तुम्हारा दिल करता तुम दूसरी कर लो। और बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी, स्पेशली आपके शो के लिए हम अमृतसर से आए हैं। सो स्वीट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। थैंक यू। अजय आज हमारे बीच भी कुछ मेहमान आए हैं जो एक बड़े अच्छे कॉज के लिए काम कर रहे हैं, एंटी ड्रग्स कैंपेन जो है चला रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा आपका नाम। सत श्री अकाल, मैं महक, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से हम ये आपसे अपील कर रहे हैं कि 26 जून को हर साल हम इंटरनेशनल डे अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिकिंग एंड ड्रग अब्यूज सेलिब्रेट करते हैं, तो आप पारिश सर और सिद्धू सर सब ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, बहुत एडमायर करते हैं, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे यूथ को ये संदेश दें कि ड्रग्स के चक्कर में नहीं पड़े, तो आई होप दैट विल बी अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू दैट सोशल कॉज। थैंक यू। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज आप हमारे शो में आए, और आज इस मंच के जरिए हम सबसे अनुरोध करेंगे कि आइए मिलजुल के इस बीमारी को जो है अपने देश से दूर करें, बल्कि ये दुनिया में कहीं भी नहीं होनी चाहिए, और एक स्वस्थ भारत बनाए हम सब मिलजुल के। आप इतने यंग हैं और इतना खूबसूरत काम कर रहे हैं, आपको मैं एक खूबसूरत सा गिफ्ट देता हूँ। हम लोग हमेशा
जो भी हमारे दर्शक आते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, जो किसी को एंटरटेन करते हैं, खुश करते हैं, हंसाते हैं। और आप सर, खूबसूरत सा मोबाइल है, मैं चाहूंगा कि आप इनको गिफ्ट दें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे बीच एक और खास मेहमान है जिन्होंने गेस्ट इन लंदन में म्यूजिक दिया है, राघव सचर। आप सब इनको बखूबी जानते हैं, ये मल्टी टैलेंटेड है और दुनिया में कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है जो ये बजा ही नहीं सकते, बल्कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स तो ऐसे हैं जो बने नहीं है, ये वो भी बजा लेते हैं। राघव, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज। तो मैं चाहता हूँ कि आपके फन का मुजाहरा हो जाए। जब लास्ट टाइम मैं आपके पास आया था जी, तो अनफॉर्चुनेटली खाली एक सैक्सोफोन था जी, तो इस बार कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इंस्ट्रूमेंट खुद सीखता है कि भाई इतना बजा दिया, क्या बात है सर, सो प्राउड ऑफ यू ब्रदर, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर एंड सिंग विद कपिल। हम लोग इतने इम्प्रॉम्प्टू चीजें करते हैं स्टेज पे आके कि पहले से प्रिपेयर करने का मन ही नहीं करता है। ही इज सच अ ब्रिलियंट सिंगर एंड इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू राघव, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग ब्रदर, थैंक यू। जोरदार तालियां एक बार राघव के लिए। टाटा टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, टाटा। पाजी देखो, मतलब मैं जा रही हूँ, इनको वो ही नहीं हो रहा, मैं चली जाऊंगी, कितनी फिकर है मेरी इनको। अरे हम तो इसलिए आ रहे कहीं आप वापस ना आ जाओ। ए भागो यहाँ से, चलो बना है ना, ऐसा एनेस्थीसिया दूंगी ना कि सोचते रहोगे हुआ क्या मेरे साथ। जाओ यहाँ से। इधर आ, तू आटे में गिर गई थी, ये क्या बन के घूम रही, कहाँ जा रही है तुम? मैं डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी के बेटे के मुंडन पे जा रही हूँ, चलोगे? वाह, बड़ी लंबी लाइन बोली तुमने। माय गॉड, इतने बड़े गेस्ट आए। हेलो, हाय एवरीवन, हाय कार्तिक, आई एम सल्ला, इन हाय इज गुड। वैसे अच्छा आप लोग यही मिल गए। वो क्या है ना, मैं एक्चुअली गर्मी की छुट्टियां मनाने जा रही हूँ। मनाने में ये लोग बहुत एक्सपर्ट है सर, इनकी मार उठ गई, पिताजी मनाने गए, ये हो गई, तो मनाने में बहुत एक्सपर्ट है। सल्ला, बाहर धूप बड़ी है, प्याज खा के जा, ना तुझे लू लगेगी ना कोई तरह मुंह लगेगा। चलो, क्या है ये, क्या थर्ड क्लास वाली बातें कर रहे हो तुम? अच्छा? और वैसे भी मैं गोंडा नहीं जा रही, मैं लंदन जा रही हूँ। जिसको तू लंदन बोलती ना, उसको मुलुंड कहते हैं, ये जो टाई मार के कूड़ मत बोल। आप प्लीज कपू को समझाओ कि लंदन एक्चुअली में एक दूसरे कॉन्टिनेंट में है, सात समुंदर पार, जहाज में जाना होता है और जहाज में पायलट होते हैं। नहीं, मैं भी पहली बार ही गया था इस फिल्म के चक्कर में। बट आप गए तो थे ना, आपको पता है कि वो मुलुंड नहीं है। हाँ, मुलुंड नहीं है। सही, कौन सा जहाज होता है आपको बताया कि वही वाला जो ऐसे ऐसे करके हर करके चलता है? सारे ऑटो हर करके नहीं चलते, कुछ सेल्फ स्टार्ट भी होते हैं। रणवीर जी, ये ना अभी ऐसी बातें कर रहा है, मैं चली जाऊंगी ना, ये सच में मुझे बहुत मिस करेगा। मिस तो मैं बहुत करूंगा सर, कोई भी आता ना सबको बोलती है कि ओ माय गॉड आप आए, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। उस दिन तो पीटा वाले आए थे, उनको बोल रही थी, अरे वाह मेरे दादाजी बहुत बड़े ऊंट थे। ऊंट नहीं, शेर थे, शेर। मेरे दादाजी पाजी अकेले 20-20 लोगों से लोहा लिया है उन्होंने। पूरी बात बताना, लोहा नहीं, खाली पुरानी बोतलें प्लास्टिक, ये वाला सब। और आवाज तो क्या मस्त थी, क्या बोलते थे, क्या सुरीले थे, ए लोहा ले प्लास्टिक ले। बकवास बातें कर रहे हो तुम कपू, तुम रहने दो। परेश, तो मुझे एक्चुअली आपसे एक सवाल पूछना था कि आप तो लंदन इतना आते जाते रहते हैं, तो लंदन का माहौल कैसा है? वो क्या है ना, मैं एक्चुअली मेरा फर्स्ट लंदन ट्रिप है, तो माहौल बड़ा अच्छा है, वहाँ बियर भी मिलता है, बड़ा अच्छा है। माहौल अच्छा है, बस तूने जाते खराब करना है बस। यहाँ पे मॉडल बन के आई है परेश जी, अभी बाहर निकलेगी ना ये, अभी ऑटो वाले को बोलेगी, ए क्या मांगता है, क्या क्या पत्ती बोलती है। उस दिन पत्ते खेल रही थी, पुलिस आ गई, इसने सब्जी बना रही थी उसमें डाल दिए, कहती ये क्या आ रहा है, कहती मैं तो पत्ता गोभी बना रही हूँ। कम से कम मैं गोभी बना तो सकती हूँ, यहाँ तो कोई सिर्फ बातें बनाता है। आप ना प्लीज इनकी बातें मत सुनिए, लेकिन प्लीज बताइए ना, लंदन में देखने के लिए क्या क्या है? बिग बेन है, एक बड़ी सी घड़ी है, मौसम अच्छा होगा इस वक्त तो फिर ओवरकोट तो हाँ हाँ एक लेकर जाना, और एक ध्यान रखना हर तरफ सीसीटीवी कैमरा लगे। कोई चीज उठानी नहीं, वहां पे पैसे देने पड़ते हैं। हाँ हाँ मुझे हाँ। वो सब पता है,
मेरे खानदान का अंग्रेजों के साथ उठना बैठना था, आई नो दैट। पूरी बात में बताना कैसे उठना बैठना था। देखो तुम शुरू मत हो जाओ फिर से। ऐसे इनके दादाजी बैठे होते थे, अंग्रेज आते थे टपली मार के बोलते चल बे उठ। अंग्रेज बैठ जाते। पूरी बात बताना, पार्क में जाते थे। तेरा लंदन में कौन रहता है, वहां पे कोई पान वाला भी नहीं है। मेरी मौसी का लड़का रहता है, पान वाला क्या, उसका प्रॉपर कपड़े का काम है। मौसी का लड़का मेरा कजिन है। देखो गाड़ी पे कपड़ा मारना उसको कपड़े का काम नहीं बोलते, ये गलत है। कार्तिक से सीखो लड़कियों से कैसे पेश आते। लुक एट हिम, सच अ क्यूट गुड लुकिंग बॉय। देखो उसकी पेशकश भी देखो ना। तुम देखो पेशकश, जाओ जाओ किसी के वॉश बेसिन खोलो जाके। आ जाती हूँ बीच में। तुम्हें जलन हो रही ना क्योंकि मैं लंदन जा रही हूँ, सच सच बताओ। मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि तू सर्वाइव कैसे करेगी वहाँ पे। मतलब तुझे पता है लंदन में कौन सी करेंसी चलती है? हाँ मुझे पता है, दादाजी ने मुझे बताया था। दादाजी ने पूरा क्या बताया था वो बताना फिर। क्या मैं आपको बताऊँ, होटल में खाना खाने गए, वो कहते हैं आप पेमेंट जो है बाय कैश करेंगे बाय चेक, कहते बाय हैंड, कहते करो, कहते ये लो। देखो तुम्हारी कदर बहुत कर ली मैंने, कहीं गदर ना कर दूं मैं। ओए तालियां भी। कबू मैं सच कह रही हूं, मैं चली जाऊंगी। फिर जा, फिर जाती क्यों, धमकियां देती रहती। हाँ ठीक है मैं जा, लेकिन जाने के पहले कार्तिक मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक फेयरवेल गिफ्ट दे, अच्छा सा। मेन बात तो जैसे इन्होंने ना भीख के नए नए नाम निकाले। फेयरवेल गिफ्ट, कौन सा गिफ्ट? इसी इनकी फिल्म से एक गाना, उसका डांस। चलो कर लेता हूँ डांस। चलो अब मेन डांस होगा, उनको रेसल करनी थी, अभी आ जाओ। पर कोई नहीं पाजी, इतना अच्छा फेयरवेल गिफ्ट में, मैं सोचूं मेरा वेकेशन तो यहीं पे बन गया, तो फिर मैं लंदन वंदन कैंसिल ही कर देती हूँ। तू डांस करती तो दिखाई दे देता। जा रही हूँ। क्या अंकल कोड मैंने कैंसिल कर दी अपनी ट्रिप तुम्हारी लिए। खबरदार सरला गुलाटी, इस घर के सारे दरवाजे सारी खिड़कियां सारे चूहे के बिल सारे गटर के ढक्कन तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। हाँ लेकिन अगर अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा के तुम थोड़ी कार्तिक के जैसे दिख सकती हो तो मैं तुम्हारी शक्ल देख लूंगी फिर भी। पंपा तुम कैसी बातें कर रहे हो, इतने बड़े गेस्ट हैं, कुछ तो ख्याल करो। ओ हाँ वही मैं सोच रही हूँ, लंदन के इतने इतने प्यारे गेस्ट यहाँ पर आए हो और मैं ढोकली से बात कर रही हूँ। मतलब क्या सोचेंगे वो लोग, कैसी बातें कर रही हो तुम? ओ हाँ हाँ हाँ, इस तरह बात नहीं करनी चाहिए मुझे इससे इस तरह बात करनी चाहिए। वैसे नमस्ते परेश जी, नमस्ते तन्वी जी, हाय कार्तिक, हाय कृति, मैं हूँ बम्पर, रहती हूँ अपने दम पर और दिन में 10-10 बार खाती है जमकर। तू बातें जरा कम कर, थोड़ा सा टाइम निकाल के शर्म कर, पड़ोस में खाना बन गए जाके उसे हजम कर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरा दिमाग मत गरम कर। ए, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो, ऐसे लड़ता कोई? तो कैसे ईंट लो, एक दूसरे का सर फाड़ो, खत्म करो काम। वैसे कपूर शर्मा आज आपको बड़ा मजा आ रहा होगा ना? क्यों, इतने बड़े बड़े लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। सुनो तुम अपने वेस्ट पे ध्यान दो, अंधेरी वेस्ट से ज्यादा बड़ी होगी है। अरे मैं तुमसे एक बात करना तो भूल ही गई। क्या? ए, चल 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 चल। हाँ ठीक है, मुझे भी तुम्हारे मुंह नहीं लगना पागल। वैसे परेश जी, मैं आपको एक दिल की बात बताना चाह रही थी। मेरी जिंदगी है ना परेश जी, एकदम हांडवो जैसी हो गई है। सच में पता नहीं कब कोई ढोकला मेरी जिंदगी में आएगा और मुझे इस जिंदगी से थेपला के ले जाएगा। ये क्या बकरी है? बकरी नहीं भाकरी होती है, गुजराती का कुछ भी नहीं आता आपको। कहाँ इस आदमी को बैठा दिया परेश जी का इंटरव्यू लेने के लिए। आई एम सो सॉरी, मैं सोनी से आपकी कड़ी से कड़ी निंदा करूंगी और साथ में थोड़ा सा कड़ी चावल भी कर दूंगी। सारा दिन तो पेट का ही काम करती रहती, कभी कुछ दिमाग में सोच भी लिया कर, भूसा भर ले दिमाग में। कुछ भूसा नहीं होता, भूसू होता है। देखिए मैं बता रही हूँ ना, गुजराती का कुछ भी नहीं पता है। खैर ये इतना फोर्स कर रहे हैं तो अभी के लिए मैं जरा चली जाती हूँ। ओके ओके बाय, ओके मैं आती हूँ थोड़ी देर में। अच्छा मैं एक सवाल था जो सबका था ऑडियंस में से, कि हेरा फेरी फिर हेरा फेरी, हंगामा, मालामाल, वीकली प्रेशर, आपने हमेशा धोती बनियान पहनी है, तो आप इतना पैसा चार्ज करते हैं कि प्रोड्यूसर के पास धोती बनियान बचती है? मैं उतना ही चार्ज करता हूँ कि वो धोती बनियान में ना आ जाए। तुम वापस आ गई? जी मैं आ गई वापस। तुम एक चीज भूल गई थी अपनी, वो लेते जाती तुम्हारी हग। कम ऑन बेबी। आपका हक किसी और को दे तो
मैं कार्तिक से ले लूंगी. हाय हाय एवरीवन, आई एम लॉटरी. हाय हाय हाय. कार्तिक की ऐसी लॉटरी है किसी की नहीं लगती. सुनो, लॉटरी उनकी खुलती है जिनका किस्मत होता है, राइट? कहाँ गई थी इतने दिनों से? गोवा गई थी. अरे गोवा क्यों गई थी, हमें बता देती, इधर ही गोवा बना देते. हम तो अंदर से गोवा ही हैं, हम भी बहुत ज्यादा गोवा हैं. मैं कभी कभी ऐसे ही इधर खुद ही उल्टा लेट जाता हूँ, सोचता हूँ सामने बीच है. वो गोवा नहीं, गवार कहते हैं. ओह यार. परेश जी, आप सरकार में हो, आप प्लीज मेरे लिए एक काम करो, एक एंटी कपू स्क्वाड बना दीजिए. ये हमेशा मुझसे फ्लर्ट करते हैं. अच्छा तो गोवा कौन सा देवी के दर्शन करने गई थी, उधर भी तो यही सब करने गई थी. तुम्हारी याद में मैं बीमार हो गया था, तुम्हें पता? बीमार हो गया? हाँ. डोंट वरी, मैं अभी इलाज करती हूँ, ठीक है आपके लिए. बम्पर, सबसे नुकील जो सिरिंज है लेके आ जाओ. ओए, कोई पेशेंट के साथ ऐसे करता है? सबसे नुकील सिरिंज ले आओ. आपका तकलीफ क्या है? थोड़ी सांस की प्रॉब्लम है, थोड़ी ससुर की है, एक जोड़ी सास ससुर चाहिए. देखो, खेतों को अच्छा खाद और मेरी माँ बाप को अच्छा दमाद चाहिए. वोकैबुलरी दिन बर दिन अच्छी होती जा रही है. मैं तो कहता हूँ तुम मेरे साथ इंटरव्यू में पार्टनरशिप कर लो. मैं इंटरव्यू में क्या करेगा भाई, ये तो सवाल ही पूछने होते हैं कि यार कहाँ थे, इतनी लेट क्यों आए, वो कौन थी. ये सब वापस शुरू किया तुमने, मैं जा रही हूँ, बाय. ग्लैमर है शो में सर. आ गई तो मुंह टैन करा के. हटो, मुझे जाने दो. मैं क्यों जाने दूं, इस घर में तुम्हारी एंट्री बंद है. आपके बड़ी बहन से ऐसे बात करते हो? बड़ी बहन? हाँ. बड़ी बहन, ये मेरी बड़ी बहन है. बताइए, मुझे अकेला छोड़ के चली गई थी. जब मर्जी आती है चली जाती है, जब मर्जी होती है वापस आ जाती है. मैं क्या तुम्हारी बॉयफ्रेंड हूँ? बंपर, तुझे शर्म नहीं आती? औरतों की लड़ती है तुम. अच्छा सा लड़का देख के मेरे से शादी क्यों नहीं करवा देती उसकी? नो वे. तन्वी जी, आपको पता है जितना ये बात करते हैं उसकी बीवी को लगेगा कि ये उसकी बीवी है. परेश सर, मैं आपको बताऊं, बहुत परेशानी चल रही है. ये मुझे अकेला छोड़ के चली गई. जितने भी पेशेंट्स हैं ना, सारे के सारे पेशेंट मुझे अकेले देखने पड़ते हैं. कितनी मोटी मोटी आंखें भगवान ने दी है, आपको दो मरीज नहीं देख सकते थे? इतनी खराब हिंदी भगवान ने दी है, दो मिनट चुप नहीं रह सकती थी. चलो निकलो यहाँ से. मैं इधर नहीं रहते तो कहाँ रहते? लॉटरी, तुम्हें घबराने का जरूरत नहीं रहते. तुम इधर नहीं रहते, तुम इधर मेरे यहाँ रह लेते. लॉटरी, तुम इतने बड़े हॉस्पिटल को छोड़ के कप्पू के छोटे से घर में कैसे रह सकती हो? ये कुर्बानी मैं दूंगी, कप्पू के घर में मैं रह लूंगी, कोई बात नहीं. तू ज्यादा धोखे में रहा तो उसी में अच्छी लगती है. पर ये बात है, तो अब जो चेंज करके आई ना, अब तू पहले से भी ज्यादा खराब लग रही है. कप्पू, तुम इसे रख सकते हो, मुझे क्यों नहीं रख सकते घर में? देखो, आइसक्रीम को फ्रिज में रखना पड़ता है, बाकी आलू प्याज तो कहीं भी रह लेते हैं. वैसे भी ये आलू नहीं है, ये चालू है. चालू है तो कोई बंद क्यों नहीं करते? ए, चुप कर, ओके, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा. फिर तो तू ही उठ जाएगी. देख, टंकी की औला, तू चुप रहे. ए, मेंढक की सहेली, चल 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 चल. बम्पर, आप क्यों इतना भड़क रहे हो? देखो मैं तेरे लिए क्या लेके आए हूँ. अच्छा, ये खाना दिखा के तुम्हें लगता है कि मेरा गुस्सा कम हो जाएगा? कम तो नहीं, लेकिन ठंडा जरूर हो जाएगा. पहले बताना चाहिए ना, इतना सारा खाना मेरे लिए लेके आई हूँ. थैंक यू मेरी बहन, आओ गले लग जाओ. गला है नहीं, चले गले मिलने. ए, तुझे तो मैं बाहर देखती हूँ. वैसे भी तुझे और कोई देखता तो है नहीं, मुझे ही देखना पड़ेगा. एक मिनट रुक जा. देखिए, आज हम दोनों बहनों का नाम मिलाप हो गया है, इसलिए एक छोटी सी पार्टी तो बनती है आज. आप सब लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, और जैसा हमारे दोस्तों ने कहा, नशे से दूर रहिए, खुश रहिए, जो आपका दिल करता करते रहिए, और देखते रहिए कपिल शर्मा शो. Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates